अगर किसी को कोई छोटी चोट भी लग जाती है तो कितना दर्द होता है। लेकिन सोचिए भारत माँ के उस वीर बेटे के बारे में जिसके शरीर पर लगी थी 17 गोलियां, फिर भी वो आगे बढ़ा, दुश्मन का सामना किया और लहू लुहान होते हुए भी लड़ाई का अंजाम पलट देने वाली अहम जानकारी वक्त रहते सही जगह पर पहुंचाई। ये वीर जवान है भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित परमवीर चक्र जवान योगेंद्र सिंह यादव। जिन्होंने अपनी वीरता से सेना को युद्ध जीतने में न सिर्फ मदद की, साथ ही में अपनी वीरता के दम पर वो सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले जवान भी बने। कहानी कारगिल की में आज बात है परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव की। टाइगर हिल, द्रास सेक्टर का सबसे ऊंचा पॉइंट। टाइगर हिल के ऊपर कब्जा पाना यानी पूरे द्रास सेक्टर के ऊपर कब्जा पाना, इसलिए भारतीय सेना के लिए टाइगर हिल को पाकिस्तानियों के कब्जे से वापस पाना बेहद जरूरी था। टाइगर हिल के ऊपर विजय पाना जितना जरूरी था उतना ही मुश्किल भी था, क्योंकि बेहद खराब मौसम, सीधी चढ़ाई और ऊपर से दुश्मन की लगातार फायरिंग। इसी बीच भारतीय सेना के लिए टाइगर हिल के ऊपर कब्जा पाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भारतीय सेना ने कुछ रणनीति बनाई और जवानों की एक टीम तैयार की जिसको काम सौंपा गया टाइगर हिल के ऊपर कब्जा पाना। इस टीम में शामिल थे सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। उस समय पे योगेंद्र मात्र 19 वर्ष के थे, लेकिन मन में उत्साह और जुनून बाकी जवानों से कम नहीं था। भारतीय सेना की टीम निकल पड़ी टाइगर हिल पर कब्जा पाने के लिए, लेकिन चढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि आखिर में उस टॉप तक केवल 7 जवान ही पहुंच सके। तकरीबन 50 से 60 मीटर की दूरी रही होगी तभी पाकिस्तानियों ने भारतीय सेना के जवानों को देख लिया और शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग। लेकिन भारतीय जवानों को उस फायरिंग की परवाह नहीं, उनके मन में बस जोश था कि कैसे भी करके टाइगर हिल को वापस पाना है। तकरीबन 5 घंटों तक वो 7 जवान पाकिस्तानी सेना को लगातार जवाब देते रहे, लेकिन भारतीय सेना के पास अब हथियार और गोला बारूद बहुत कम बचे थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब पाकिस्तानियों के ऊपर वो तभी हमला करेंगे जब पाकिस्तानी अपने पत्थरों से निकलकर बाहर आएंगे। प्लान के हिसाब से भारतीय जवानों की तरफ से कोई भी हलचल नहीं की गई, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों ने ये सोचा कि शायद भारतीय जवान लौट चुके हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद पाकिस्तान की तरफ से कुछ सैनिक चेक करने के लिए आए कि क्या सच में भारतीय जवान लौट चुके हैं। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक उस पत्थरों से बाहर आए, भारतीय सेना ने फायरिंग शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने उन 12 पाकिस्तानी सैनिकों को गोलीबारी करके छन्नी कर दिया, लेकिन उन सैनिकों में से 1-2 सैनिक बच निकले और तुरंत ही जाकर उन्होंने अपनी टीम को बता दिया कि हिंदुस्तान की तरफ से तो मात्र 8-10 जवान ही लड़ रहे हैं। तब पाकिस्तानी सेना ने वापस से भारतीय जवानों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। मात्र 7 सैनिक पूरी पाकिस्तानी सेना का डट कर मुकाबला कर रहे थे। उनके हमले का सामना करते हुए भारतीय जवान पाकिस्तानी ठिकाने के काफी नजदीक पहुंच गए, लेकिन जब इतने नजदीक पहुंचे तब उन भारतीय सेना का एक हथियार लाइट मशीन गन पाकिस्तानियों की नजर में आ गया और तुरंत ही उन्होंने उस LMG जो कि भारतीय जवानों के पास उस वक्त सबसे बड़ा हथियार था उसको डैमेज कर दिया। जिस पत्थर के पीछे छिपकर भारतीय जवान हमला कर रहे थे ठीक उसी पत्थर के ऊपर पाकिस्तानी सैनिक खड़े थे। तुरंत ही योगेंद्र सिंह ने अपनी टीम को उन पाकिस्तानी सैनिकों के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय जवानों के ऊपर ग्रेनेड थे। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से भारतीय जवान एक के बाद एक घायल हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के एक स्नाइपर के ऊपर पाकिस्तानियों ने तीनों तरफ से हमला शुरू कर दिया। योगेंद्र सिंह यादव और उनके एक साथी अनंत राव को उनकी रक्षा करने जाने के लिए ऑर्डर मिले। जैसे ही उठने के लिए वो खड़े हुए, योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक 2 ग्रेनेड फेंके गए। वो ग्रेनेड सीधा जाकर योगेंद्र सिंह यादव के घुटने और आंख के पास फेंके। ग्रेनेड की वजह से योगेंद्र सिंह यादव पूरी तरह से लहू लुहान हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से अपना होश संभाला। वो अपने उस साथी के पास पहुंचे जहां पर उनको जाना, लेकिन लहू लुहान होने के बावजूद योगेंद्र सिंह यादव को आदेश मिला कि वो अभी फायरिंग शुरू रखे। आदेश के हिसाब से योगेंद्र सिंह ने अपने घावों की परवाह ना करते हुए पाकिस्तानियों के ऊपर फायरिंग करना जारी रखा। जब हमला थोड़ा शांत हुआ तब योगेंद्र सिंह यादव के साथ ही उनको फर्स्ट एड करना शुरू किया।
वो फर्स्ट एड कर ही रहे थे कि तभी उनके साथी के सर के ऊपर एक गोली आ गई। वो शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह को समझ नहीं आया, उनकी नजर के सामने ही उनके एक साथी शहीद हो चुके थे। वो उनकी शहीदी की जानकारी अपने दूसरे साथी अनंत राम को दे रहे थे कि अचानक से अनंत राम के ऊपर भी एक गोली आई, सीधा उनके सर में लगी और उनकी नजर के सामने उनके साथी उनके दोस्त अनंत राम भी शहीद हो गए। एक के बाद एक भारतीय जवान शहीद होता गया, बचे थे मात्र योगेंद्र सिंह। अब 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव इस नुकसान को समझ ही रहे थे कि अचानक से उनको एक आवाज सुनाई दी, अल्लाह अकबर, और पाकिस्तानियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। योगेंद्र सिंह यादव के सारे साथी शहीद हो चुके थे और वो खुद बेहोशी की अवस्था में थे। बेहोशी में ही वो ये सारा मामला देख रहे थे, समझ रहे थे कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय जवानों को चेक कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भारतीय जवानों में से कोई जिंदा तो नहीं। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय जवानों के मृत शरीरों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब योगेंद्र सिंह यादव बेहोशी की अवस्था में थे तब पाकिस्तानी सैनिकों ने योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर भी गोलियां चलाई। उन्होंने पहले योगेंद्र सिंह के हाथ पर गोली मारी, उसके बाद उनकी जांघों पर और तीसरी उनके पैर पर। एक के बाद एक तीन गोलियां लगने के बावजूद योगेंद्र सिंह चुपचाप सब कुछ सहन। जब योगेंद्र सिंह की भी कोई हलचल नहीं दिखी तब पाकिस्तानियों को यकीन हो गया भारतीय सेना के अंदर कोई भी जवान जिंदा नहीं रहा। जब उन्हें विश्वास हो गया कि भारतीय सेना में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है तो पाकिस्तानियों ने प्लान बनाया कि टाइगर फील्ड के नीचे भारतीय सेना की एमएनजी पोस्ट है, उसको वो लोग उड़ा देंगे। योगेंद्र सिंह यादव ने पाकिस्तानियों की ये बातें सुनी और उन्हें लगा कि अगर पाकिस्तानियों की तरफ से ये हमला हो गया तो बहुत सारे भारतीय जवान शहीद हो जाएंगे। योगेंद्र सिंह यादव अब और शहीदी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब वापस से पाकिस्तानी सैनिक उन शहीद भारतीय जवानों को चेक करने के लिए आए तो उन शहीद भारतीय जवानों के ऊपर उन्होंने गोलियां बरसाई, जिसमें योगेंद्र सिंह यादव के ऊपर भी उन्होंने गोलियां। लेकिन इस बार योगेंद्र सिंह के अलग अलग अंगों पर उन्होंने गोलियां चलाई। योगेंद्र सिंह यादव के सीने पर पाकिस्तानियों ने गोली मारी। लेकिन अब इसे अच्छी किस्मत कहे कि फिर उनका निस्वार्थ देश प्रेम, जिसकी वजह से परमात्मा ने भी उनका साथ दिया। जब पाकिस्तानियों ने योगेंद्र सिंह यादव के सीने पर गोली चलाई तब वो गोली सीधा जाकर लगी उन 5 रुपए के सिक्कों के ऊपर जो योगेंद्र सिंह यादव के शर्ट की ऊपर की जेब में, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। अब तक योगेंद्र सिंह यादव की 17 गोलियां लग चुकी। योगेंद्र सिंह यादव को लगा कि अगर इतनी गोलियां लगने के बावजूद भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, इसका मतलब है कि आज मेरी जीत तय है। आत्मविश्वास से भरे योगेंद्र सिंह ने एक ग्रेनेड उठाया और फेंक दिया पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सैनिक वापस से घबरा गए। उनको लगा कि भारतीय सैनिकों में से कोई जिंदा है, लेकिन पीछे देखा तो कोई हरकत नहीं। तभी योगेंद्र सिंह यादव ने दूसरी तरफ से भी अपनी राइफल से हमला किया और 3-4 पाकिस्तानियों को अकेले योगेंद्र सिंह ने मार गिराया। ऐसे जब उन्होंने अलग अलग तरह से फायरिंग किया तब पाकिस्तानी सैनिकों को लगा कि शायद भारतीय सेना के बहुत सारे सैनिक उस पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके, इसलिए वो बौखला गए और वापस से अपने टेंट में घुस गए। तब योगेंद्र सिंह यादव ने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए वापस जाकर अपने साथियों को ये सारी जानकारी देना मुनासिब समझा। वो पहाड़ी के नीचे उतरे, अपने साथियों के पास पहुंचे और उन्हें तमाम घटनाक्रम बताया। योगेंद्र सिंह यादव पिछले 72 घंटे से मात्र आधा बिस्कुट का पैकेट खाकर लड़ाई लड़ रहे थे, बस इतनी सारी गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से अपने कमांडिंग ऑफिसर को पाकिस्तानियों के बारे में जानकारी देने के बाद वो बेहोश हो गए। तकरीबन 3 दिन बाद उन्हें वापस मिला। तब सबसे पहले उन्होंने ये जानना चाहा कि जंग की स्थिति क्या है। उन्हें बताया गया कि उसी रात भारतीय सेना की बटालियन ने टाइगर हिल के ऊपर जाकर पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी है और टाइगर हिल के ऊपर भारतीय तिरंगा लहरा दिया है, वो भी बिना किसी नुकसान। ये सुनकर योगेंद्र सिंह यादव के सारे जख्म भर चुके थे। उनके दिल में से एक आवाज आई, भारत माता की जय। योगेंद्र सिंह यादव के लिए इससे बड़ी खुशखबरी जीवन में कोई और नहीं। 16 महीने लगे योगेंद्र सिंह यादव को पूरी तरह से ठीक होने।
लेकिन ठीक होते ही वो वापस से अपने देश की सेवा में लग गए। योगेंद्र सिंह यादव को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र, जो कि देश के सैन्य का सबसे बड़ा सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। और योगेंद्र सिंह यादव बने सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले जवान। आज भी ये बहादुर जवान लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव के रूप में देश के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। योगेंद्र सिंह यादव की बहादुरी और हिम्मत ये साबित करती है कि मन में जोश और देश के प्रति सेवा करने की सच्ची भावना होना तो कितना भी दर्द हो, कितनी भी चोटें हों, वो तुम्हें रोक नहीं सकते। देश के इस सपूत को OTT इंडिया का सलाम।